लास्ट सेवन्थ केमिस्ट्री के अंदर इस साल टोटल 9 चैप्टर्स, जिसमें से आप लोग के डिलीट हो चुके हैं 5, 9, 10, 11 एंड 14। और जो चैप्टर्स आप लोग के आने वाले हैं वो कितने मार्क की वेट रख सकते हैं उसको सुनो। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर आप लोग का 7 मार्क की वेट रख सकता है। सेकंड चैप्टर आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर आप लोग का 9 मार्क की वेट रख सकता है। थर्ड चैप्टर आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर आप लोग का 6 मार्क की वेट रख सकता है। और अगला चैप्टर आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर आप लोग का 7 मार्क की वेट रख सकता है। पांचवा चैप्टर आप लोग का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर आप लोग का 9 मार्क की वेट रख सकता है। और जो छठा चैप्टर आप लोग का इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर आप लोग का 7 मार्क की वेट रख सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप लोग का 4 मार्क की वेट रख सकता है। अगला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका 11 मार्क की वेट रख सकता है। और जो आपका आखिरी चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ये चैप्टर आप लोग का 10 मार्क की वेट रख सकता है। और ये एकदम एक्यूरेट है, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जिस चैप्टर को मैंने जितने मार्क का बताया एक्चुअल में वो चैप्टर उतने मार्क की ही वेट रख सकता है, और ये डेफिनेटली 101% गारंटी के साथ है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी आप लोग थ्रू आउट रीड करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को इतना ज्यादा घुमाया जाता है कि आप लोग चकरा जाओगे, काफी अनवांटेड चीजें होती हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी को समझना है, देखो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दो, बट उसके पहले आप लोग एनसीईआरटी को नोट्स से एक बार देखो कि आपकी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें आप लोग को फोकस करना है, वो सब चीजें वो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और अगर आपने बाहर से कोई किताब खरीद रखी है, ठीक है, नहीं खरीदी तो टेंशन मत लो, आप एक बार जाकर के नोट्स को देखो, उसके बाद सोचना कुछ खरीदने की, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के नोट्स को देखो, और जब आप लोग एनसीईआरटी नोट्स को देख लेते हो और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लेते हो, उसके बाद आपका काम है माइंड मैप्स को देखना। माइंड मैप्स आप लोग के एग्जाम के टाइम पे याद आते हैं, या फिर आप लोग इसको इसलिए ले सकते हो कि हाँ यार मेरे को जो माइंड मैप्स होता है वो आपके कुछ नहीं होता, उसके अंदर आपके जो जो टॉपिक्स है वो लिखे होते हैं, उसके बारे में आपको खुद जानना होता है, ठीक है। तो माइंड मैप्स आप लोग को वहीं नीचे मिल जाएंगे, उसके बाद वाले लिंक होंगे, उसको जा करके अगर आप लोग ये दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लेते हो कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको इसके आगे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की बात करें तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए और आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, मैं इन दोनों को मैचअप करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लाने में, बट क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्कूल का अलग अलग पेपर होता है, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो आपका पेपर बना करके नहीं भेजती है, काफ़ी जगह पे आपके स्कूल वाले पेपर बनाते हैं। तो यार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग अलग होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके सेम होते हैं। तो उसमें से जो जो क्वेश्चन है वो आप लोग के निकाल करके मैं डिस्क्रिप्शन में जल्दी लगा दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको काम दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर आने दो, तब तक लग जाएगा।